अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं बात करूँगी, हमारे पास हम पढ़े थे कीमोथेरेपी में अबाउट द एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लीन्स पढ़ाए, मैक्रोलाइट्स पढ़ाए। अब हमने करनी है चार एंटीबायोटिक्स, टेलिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिस एंड लाइनेजोलेड। ये बेसिकली उसी ग्रुप से रिलेटेड है जो प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करके अपना एक्शन करती हैं, और इनका जो जाहिर है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी वगैरह वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन ही है। ये एंटीबायोटिक्स ना आपके इस तरह से, मतलब ये वाले जो ग्रुप्स हैं आपके बाकायदा ना सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्कि मैं बताऊंगी कि कौन सा वाला किस जगह पर आता है, ना इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बस जो जो एक एक इनका पॉइंट है ना, जो कि एमसीक्यूज में या एसीक्यूज में आता है, एसीक्यू में तो है नहीं आता, एमसीक्यूज में, बस उतना ही आप याद रखें, बिकॉज एंड पे जब आप फार्मा करते हैं ना तो इतना कुछ होता है दैट यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग। एक नज़र पढ़ते हुए ज़रूर सारा पढ़ना आपने, ठीक है, बेशक आप मिनी कैटजन करें, मिनी कैटजन तो आप ज़रूर एक दफ़ा सारी पढ़ें, लेकिन फिर भी एंड में आपने उन पॉइंट्स को ही देखना जो आते होते हैं ज़्यादातर, ताकि आपका कुछ मिस ना हो जाए। तो आई विल टेल यू दोज थिंग्स सो दैट यू कैन कवर देम इजिली, और मैं आपके सिनेरियोज जो डिस्कस करने हैं और जो फार्मा को याद करना किस तरह है, कौन सी बुक्स अच्छी हुई, मैं सारी आपको स्टूडेंट्स को इस पर बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है, जो दूसरा चैनल है। अच्छा, टेलिथ्रोमाइसिन में हमारे पास जो पहली ये मतलब पहली जो ड्रग है, दिस इज टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट बिल्कुल एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जैसे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है इन्होंने। इसके बारे में जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में ये है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, यानी कि आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह की वजह से नमूनिया हो रहा है, या फिर वो नमूनिया के स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट है नॉर्मल एंटीबायोटिक्स में, उसमें टेलिथ्रोमाइसिन चल जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ नमूनिया में चल जाएगी। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनमें आपने याद रखना है कि ये क्यूटी इंटरवल ऑफ हार्ट को प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है। आपको बताया ना कि आपके वो ईसीजी में इंटरवल्स होते हैं, क्यूटी इंटरवल, पीआर इंटरवल, ऐसे करके ईसीजी होती है ना, पी सॉरी पी है क्यू आर एस एंड टी, तो दिस इज योर क्यू एंड टी इंटरवल, इसको प्रोलॉन्ग कर देती है, ठीक है, बस इतनी बात याद रख लें। बाकी वही है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सेम है, और रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है इसमें, मतलब जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू जो रेजिस्टेंस बाकी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए रेजिस्टेंट स्ट्रेन के खिलाफ एक्टिव है। फिर है हमारी क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन के बारे में आपने एक तो ये बात याद रखनी है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, वो नेचुरली ही इसके रेजिस्टेंट है, मतलब नेचुरली ही क्लिंडामाइसिन एक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज क्लिंडामाइसिन की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है ना, वो उसे इजाजत ही नहीं देती कि वो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को पेनिट्रेट करे, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यू में आती होती है कि कौन सी एंटीबायोटिक है विच इज जिसके खिलाफ बैक्टीरियाज आर नेचुरली रेजिस्टेंट। नेचुरली रेजिस्टेंट का मतलब है कि उन्हें कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही रेजिस्टेंट है, तो वो वाली एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसके उससे क्लिंडामाइसिन पास ही नहीं कर सकती, किसी भी तरह पास नहीं कर सकती नॉर्मल सेल वॉल से, उसके लिए कोई स्पेशल होने की जरूरत नहीं पड़ती, एक तो ये बात। दूसरे इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है ना क्लिंडामाइसिन का, वो एक आध दफ़ा शायद एसीक्यू में आया था, तो आपने याद रखनी है। पहली चीज़ है कि बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट चल जाती है, ये बैक्टीरियोइड्स भी आपके वो वाले बैक्टीरिया जो ज़रा रेयर होते हैं। फिर जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेफोरियस है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, इनके अगेंस्ट ये चल जाती है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो हमारा न्यूमोसिस्टिस है ना, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूमोसिस्टिस हो गया, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं ना, एड्स के पेशेंट्स, उनमें अक्सर हो जाता है न्यूमोसिस्टिस या टॉक्सोप्लास्मोसिस, ये सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में होते हैं, उनमें क्लिंडामाइसिन दी जा सकती है। आपका एक अलग से क्वेश्चन आता होता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ इन्फेक्शंस विच अक्कर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, तो उसकी भी पूरी एक लिस्ट है, आई विल टेल यू इन अ सेपरेट वीडियो, उसमें से न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लास या होते हैं, ठीक है, ये आपका फार्मा का क्वेश्चन आता है बाकायदा। तो ये इसके क्लिनिकल एक्टिविटी, बस इसके बारे में इतनी बातें याद नहीं कि एक तो एमसीक्यू आता है कि रेजिस्टेंट नेचुरल किसके खिलाफ है, किस एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया के नेचुरल रेजिस्टेंट है, तो क्लिंडामाइसिन के, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये बातें हैं। फिर अगला है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में आता क्या है, क्विनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन, जो एंटीबायोटिक इस ग्रुप में आती है उसका नाम है क्विनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन, बस एक ये बात याद रखनी है इसमें आपने। और दूसरा ये कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन के खिलाफ ये भी काफ़ी एक्टिव है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन है मतलब एमआरएसए, पीआरएसपी और जितने भी बल्कि वैनकोमाइसिन के रेजिस्टेंट स्ट्रेन हैं उनमें भी स्ट्रेप्टोग्रामिन्स काफ़ी अच्छी चल जाती हैं, ठीक है। लाइनेजोलिड, लाइनेजोलिड का ना एसीक्यू सिनेरियो भी आया हुआ मैंने देखा था, एमसीक्यूज में, एसीक्यूज में, लेकिन पूरा सिनेरियो बन के आया था। सिनेरियो में आपको वो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है और उसके खिलाफ आपने एंटीबायोटिक देनी है। मुझे एग्जैक्ट सिनेरियो में देख के आपको वो ज़ाहिर अलग से वीडियो में जब मैं सिनेरियोज डिस्कस करूँगी तो आई डिस्कस, लेकिन लाइनेजोलिड में ना इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है, इसके दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है,
और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह का है कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट अच्छी तरह काम कर जाती है, यानी कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन हमारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, और जो जैसे रेजिस्टेंस डेवलप क्योंकि बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं कर रही होती उन पर लैनोजोलिड एक्ट कर जाती है। तो ये इस वजह से आपने याद रखनी है। इसका जो ग्रुप है ना लैनोजोलिड का, मतलब जो जो इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज ऑक्साजोलिडिनिडायोन्स, ठीक है, ऑक्साजोलिडिनिडायोन्स। तो ये भी अक्सर एक दफ़ा एमसीक्यू ऐसा भी आया था कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ऑक्साजोलिडिनिडायोन्स ग्रुप से ये ताल्लुक रखती है और इसके बारे में ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कर देती है, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है वो वाला सिंड्रोम जो आप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी जब CNS, तो उसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, वो ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स का एक ग्रुप है। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या है, उसमें फ्लशिंग होती है और बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बस अभी इतनी बात याद रख ले, मैं इसलिए अभी इतनी बात कह रही हूँ बिकॉज उसके लिए फिर आपको ज़्यादा सेरोटोनिन की और उसकी न्यूरोट्रांसमीटर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो कि अभी मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करी। जितनी बातें मैंने यहाँ पर ही बताई हैं ना, इतनी आपको आती हो तो आपको ये टॉपिक दोबारा, मतलब ये चार चीज़ें नहीं भी पढ़ेंगे तो यू आर वेरी मच गुड विद देम। इससे ज़्यादा इनमें से कभी भी नहीं आया आज तक, खुदा ना खास्ता किसी किस्मत ख़राब हो तो हाजिर, लेकिन वरना आता नहीं है। लैनोजोलिड को ज़रूर एक रीड देनी है, ये अच्छा आता होता है। अगर कोई मसला होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।